गरियाबंद जिले के अमलीपदर सूखा तेल नदी पर 40 गांव के लोगों के सहूलियत के लिए साल 2022 में 7 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण की शुरुआत की गई थी। पीडब्ल्यूडी के सेतु शाखा के देखरेख में काम शुरू तो हुआ, पर 2 साल में भी काम पूरा नहीं हो पाया। अब बारिश के दिनों में ग्रामीण और स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पुल न होने से आए दिन किसी न किसी प्रकार के हादसों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। वहीं पुल के अभाव में इलाके का कारोबार भी ठप हो जाता है। लगातार मिल रहे आश्वासन के बाद भी सुविधा के लिए तरस रहे ग्रामीणों में अब आक्रोश भी देखा जा सकता है। नदी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि हमको स्कूल जाने में आसानी हो। हमारे तो 10th है तो बोर्ड क्लास है, रुक जाती है, पढ़ाई बहुत हो रही है आजकल, तो ये नदी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि हमको स्कूल जाने में परेशानी ना आए। मैं तो गिर गई वो गड्ढा में। कब गिर गए? वो आते समय अभी बारिश का दिन शुरू हुआ है तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी करना पड़ा। हम लोग क्या है 84 से यहाँ पे हम लोग क्या है छठी पढ़ने आए ना, तब से हम लोग बात करते हैं। तो अभी भी वैसी है? अभी भी वैसे है। पहले तो इधर से और दैनिक सुविधा भी और ये सब पूरा बिगाड़ दें रोड को। यहाँ आए दिन हाथ पैर टूट रहे हैं, एक दूसरे आदमी पहले से खत्म हो चुके हैं। दुर्घटना होते रहते हैं? हाँ होते रहते हैं। एक बात वो बस वाला कि वहाँ वो पूरा सामान भी बिखर गया, पूरा बस पर बिखर गया। तो इतना जब खतरनाक है तो फिर पार करना क्यों जरूरी रहता है? अब ये अब बताइए नजदीक वाला बस्ती दुर्वा गुड़ी गोहरा पदर छोड़े जा सकेंगे सामान के लिए? बताइए जरूरत और देखिए अमलीपदर आसपास के जितने भी गांव हैं अमलीपदर के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जैसे कुछ सामान लाना हो या सामान ले जाना हो तो कई गांव अमलीपदर के ऊपर निर्भर हैं। तो इससे जब नदी में बाढ़ आती है, पानी आती है, तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल है, शिशु मंदिर है, VHN स्कूल है, कई सारे सैकड़ों हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। और जो आसपास के गाँव के हैं, किसान वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो ये नदी की समस्या बनी हुई है, ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो सके। व्यापार तो ऐसा है कि 4 महीना हम लोग व्यापार ही नहीं कर सकते, का इधर आना आते नहीं, इधर का उधर नहीं जा सकते। आना होगा तो कोई आदमी उधर से घूम के भेजी पदर से घोरा पदर से इधर व्यापार करके थोड़ी आएगा या कुछ लेने थोड़ी आएगा। बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, 4 महीने हम लोग कोई व्यापार नहीं करते, ठंडा बैठे रहते। तो इसके लिए कभी कोई पहल वाल किए हैं बनवाने के लिए? बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, उनको तो बोलते हैं भाई करवाओ करवाओ करके, वो लोग भाव दे रहे हैं, पेपर में 2-3 बार आता है, 4 बार आता है, थोड़ा सा काम होता है फिर बंद हो जाता है। तो बहुत परेशानी है? बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।